अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फुरकान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बुल या सीमन सिलेक्शन के ऊपर थी। उसका जो है वो पहला पार्ट जो है वो आपने देख लिया होगा। तो उस पहले पार्ट में मैंने आपको बुल का ओवरऑल कैसे इंफॉर्मेशन जो है उसकी रीड करते हैं उसके बारे में आपको बताया था। इसके अलावा उसके प्रोडक्शन का, हेल्थ, फर्टिलिटी और काविंग का डाटा जो है वो किस तरह से उसको जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो बुल का जो कैटलॉग का डाटा होता है उसमें कौन सा पैरामीटर या ट्रेट जो है वो आपको किस चीज़ को जाहिर कर रहा होता है। तो पहला पार्ट जो था हमारा वो काविंग ट्रेट तक जो है वो ख़त्म हो गया था। तो अब मैं दूसरा पार्ट शुरू करने लगा हूँ। ये वीडियो जो है ये उसके जो बुल और या सीमन सिलेक्शन का जो दूसरा पार्ट है ये उसके बारे में होने वाली है और इंशाल्लाह ये आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। और इस वीडियो के अंदर ये जो टॉपिक है बुल या सीमन सिलेक्शन का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो चीज़ें रह गई थी अब मैं वहाँ से शुरू करूँगा। इसमें इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा वो होंगी इसकी लीनियर ट्रेड्स और इसके अलावा कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे जो कि कैटलॉग के अंदर होते हैं, जैसे कि बॉडी साइज़ कंपोजिट, फीट लेग कंपोजिट, अडर कंपोजिट, पीटी एटी जो है उसकी वैल्यूज़, इसके अलावा टीपीआई जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, नेट मेरिट्स क्या होते हैं, फ्लूइड मेरिट्स, ग्रेजिंग मेरिट्स, चीज़ मेरिट्स, इन सब के बारे में आपको बता के इंशाल्लाह ये वीडियो जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा लीनियर ट्रेड्स के ऊपर। लीनियर ट्रेड्स क्या होती हैं? लीनियर ट्रेड्स जो है वो किसी भी एनिमल की जो है ज़ाहरी जो जितने भी उसके खसूसियात हैं ये उसको ज़ाहिर करता है कि ज़ाहरी तौर पर जानवर किस तरह से है। जैसे कि जो ज़ाहरी तौर पर हमें जानवर नज़र आ रहे होते हैं उसके मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो एयरमेंट क्या है या फिर वो देखने में किस तरह से लगते हैं उनको हमने देखना है। तो उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स हैं अगर हम उसकी एग्ज़ैम्पल लें तो जैसे कि एक एनिमल का कद है या जिसे हम स्ट्रेचर कहते हैं, तो वो एनिमल का जो स्ट्रेचर है वो कितना होना चाहिए, मैं रिकमेंडेड वैल्यूज़ आपको बताऊंगा कि रिकमेंडेड क्या है। और आप आपके फार्म के ऊपर जैसे भी एनिमल होंगे वो छोटे कद के हैं या बड़े कद के हैं उस लिहाज से आप बुल के जो है वो सिलेक्शन कर लेंगे। तो लीनियर ट्रेड्स के अंदर ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा ये जो लीनियर ट्रेड्स होती हैं ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती जानवर की जो है वो कैसी खूबसूरती है जानवर की तो उसके बारे में होता है, ये इस तरह से नहीं है। ये जो लीनियर ट्रेड्स होती हैं एक एक लीनियर ट्रेड जो है ये जानवर की दूसरी ट्रेड्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर जानवर की रिब्स जो होंगी वो ज़्यादा खुली होंगी और वो उभरी हुई होंगी तो इससे पता चलता है कि ये एनिमल की मिल्क देने की कैपेसिटी ज़्यादा है। इस तरह की अगर फीट एंड लेग स्कोर की अगर हम बात करें या फीट एंड लेग्स देखें, अगर हम रेयर लेग साइड व्यू या रेयर लेग रेयर व्यू, तो ये जो लेग्स के पैरामीटर हैं लीनियर ट्रेड्स के अंदर ये बताते हैं कि जानवर के अंदर लेमनेस कैसी रहेगी, इसके अंदर लेमनेस आएगी या नहीं आएगी। इस तरीके फुट एंगल है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये जितने भी लीनियर ट्रेड्स हैं ये आगे और जानवर के जो भी ट्रेड्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गई, फर्टिलिटी हो गई, प्रोडक्शन हो गई, इन सब को जो है ये अफेक्ट करते हैं। इवन के लॉन्जेविटी हो गई या फिर एनिमल कितनी देर प्रोडक्शन में रहेगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये इससे इंटरलिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं। लीनियर ट्रेड्स को स्टडी करते हुए जो है एक जो है बेस, जैसे कि हमने दूसरे बाकी ट्रेड्स के लिए जैसे कि वो मिल्क प्रोडक्शन थी, फैट थी, उसके लिए हमने एक बेस बनाई थी, प्रेडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटीज़ का एक जो है वो देखा था हमने बेस उसकी, तो इसके लिए भी एक बेस है। वो क्या है? वो है एसटीए, यानी स्टैंडर्डाइज ट्रांसमिटिंग एबिलिटीज़ के तौर पर जो है हम ये लीनियर ट्रेड्स को स्टडी करते हैं बुल के कैटलॉग के अंदर। अब ये स्टैंडर्डाइज ट्रांसमिटिंग एबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये +3 से +-के दरमियान जो है ये क्या करती हैं, ये चेंज होती रहती हैं और ये कर्व की सूरत में होती हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम +3 तक जा सकती हैं और मिनिमम -3 तक, और इनका जो मिड पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इनका मिड पॉइंट है। और ये जो मिड पॉइंट होता है ये ब्रीड की बेस है, एवरेज है कि एवरेज जो है इस ब्रीड की, इसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेचर है या अडर हाइट है, इसकी एवरेज जो है वो ज़ीरो होगी। अब इससे जो आप बुल लेने जा रहे हैं उस बुल की वैल्यूज़ ये या तो पॉजिटिव में हो सकती हैं या फिर नेगेटिव में। इसी बेसिस को देखते हुए आपके हर्ड में, आपके फार्म के ऊपर एनिमल्स का क्या इशू है उससे रिलेटेड आप बुल सिलेक्ट करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल आपके फार्म पर छोटे स्टेचर वाले एनिमल यानी कद उनका छोटा है, अगर आप चाहते हैं कि इनका कद जो हो वो क्या हो, दरमियाना हो या बड़ा हो, लेकिन वैसे तो दरमियाना कद सबसे बेहतर समझा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दरमियाना कद हो तो आप क्या करेंगे, ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसकी ये स्टेचर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है, नेगेटिव वाली नहीं, नेगेटिव वाली से और कद छोटा आएगा। इस तरह के पॉजिटिव की तरफ स्ट्रेचर की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो आपके एनिमल का कद जो है, आने वाली नस्लों का कद जो है वो बड़ा होता जाएगा। और इसी तरह अगर आपके फार्म के ऊपर कद ज़्यादा बड़ा है एनिमल का तो आप नेगेटिव वाली सेलेक्ट करेंगे ताकि आप कहीं रिकमेंडेड वैल्यूज़ पे आए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं लीनियर ट्रेड्स की, इनको ज़ाहिर करने के लिए मैं एक लाइव एनिमल पर जो है ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूँगा कि कौन सा जो लीनियर ट्रेड का पैरामीटर है वो कौन सी चीज़ को ज़ाहिर करता है, उसकी रिकमेंडेड वैल्यू क्या है और आप अपने फार्म पे उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये स्टेचर है एनिमल का, स्टेचर कहते हैं एनिमल के कद को। तो स्टेचर जो है वो कैसे मेजर करते हैं कि जो एनिमल की जो ये रीढ़ की हड्डी है यहाँ से लेकर जो है ये नीचे तक ग्राउंड लेवल तक सीधा जो है हम मेजर करते हैं स्टेचर को। तो स्टेचर जो है ये एनिमल के कद को कहते हैं। एनिमल का कद जो रिकमेंडेड है वो अब ये रिकमेंडेड है कि एनिमल का कद दरमियाना होना चाहिए। पहले ये था कि लोग कहते थे कि बड़े कद वाला जानवर ज़्यादा दूध देता है, लेकिन ऐसे नहीं है। दरमियाने कद के जानवर भी ऐसे जानवर जिनका कद बड़ा होता है उनसे ज़्यादा दूध दे देते हैं। तो इसलिए मीडियम स्टेचर के एनिमल जो है आजकल रिकमेंडेड हैं। तो मीडियम स्टेचर का एनिमल आप जो है अगर आपने फार्म पर करना चाहते हैं, तो मैंने जैसा वो पहले बताया कि अगर आपके फार्म पे पहले ही बड़े कद वाले जानवर हैं तो आप ऐसी स्टेचर की वैल्यूज़ लेंगे जो नेगेटिव में होंगी, और जबकि अगर आपके फार्म पे छोटे कद के जानवर हैं तो ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिसमें पॉजिटिव वैल्यू में ज़्यादा होगी, तो आपका एक रिकमेंडेड जो है स्टेचर आप हासिल कर लेंगे। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है जी स्ट्रेंथ एनिमल की। तो जो स्ट्रेंथ होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर हैं, लेकिन इसमें जो मेन पैरामीटर है वो है जी चेस्ट विड्थ, कि ये जानवर की अगली टांगे हैं इनके दरमियान का वक्फ़ा कितना है। तो ये वक्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, और इसकी वैल्यूज़ भी जितनी पॉजिटिव में हो उतनी बेहतर हैं। तो आपने ऐसा बुल सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यूज़ जो स्ट्रेंथ के लिए है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। जो अगला पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर, वो है इसका जानवर की बॉडी डेप्थ, कि जानवर की बॉडी डेप्थ जो होती है वो हम मेजर करते हैं कि जानवर की ये जो वर्टिब्रा है यहाँ से लेकर ये एब्डोमेन के आखिरी पोर्शन तक, यहाँ तक इसकी जो है ये बॉडी डेप्थ आती है। तो बॉडी डेप्थ जो है ये दरमियानी बॉडी डेप्थ के एनिमल जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी डेप्थ अगर तो कम है तो क्या होगा कि उस जानवर की मेदे की कैपेसिटी, र्यूमन की कैपेसिटी भी कम होगी, ठीक है, और अगर वो र्यूमन की कैपेसिटी कम है तो जानवर खाएगा भी कम और दूध भी कम देगा। और अगर ज़्यादा बॉडी डेप्थ वाला एनिमल ले लिया जाए तो ऐसे एनिमल्स की फर्टिलिटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी लॉन्जेविटी के कितना लंबा अरसा फार्म पे रहेंगे वो भी कम होती है, और इसके अलावा अगर ये अडर, ये जो बॉडी डेप्थ है बढ़ती जाएगी तो इससे अडर जो है वो भी और नीचे चला जाएगा, जब अडर नीचे जाएगा तो मैस्टाइटिस और बाकी चीज़ों के इश्यूज़ भी आएंगे। तो इसलिए दरमियानी बॉडी डेप्थ वाला एनिमल जो है वो आपने अपने फार्म पर रखना है। तो इसकी जो वैल्यूज़ जितनी पॉजिटिव में होंगी उतनी बॉडी डेप्थ ज़्यादा होगी, और जितनी नेगेटिव में होंगी उतनी बॉडी डेप्थ कम होगी। तो आपने अपने फार्म के लिहाज से बॉडी डेप्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। जो नेक्स्ट है वो है जी डेयरी फार्म। डेयरी फार्म है जी ये रिब्स को शो करता है कि एनिमल की रिब्स कैसी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनिमल की जो ये रिब्स होती हैं ये शो करती हैं कि एनिमल आगे कैसा मिल्क प्रोडक्शन में कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसमें डेयरी फार्म में हम देखते क्या हैं कि रिब्स के दरमियान का फासला कितना है, ठीक है, ये जो रिब्स हैं इनमें कितना फासला है। ये जितना फासला बढ़ता जाएगा जानवर की दूध की कैपेसिटी जो है, देने की कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। फिर दूसरी चीज़ देखी जाती है कि रिब्स की एंगुलैरिटी, कि ये किस एंगल से आ रही, फ्लैट रिब्स हैं, सीधी रिब्स हैं या किसी एंगल के थ्रू आ रही हैं। तो एंगुलैरिटी जितनी बढ़ेगी तो उतना बेहतर होगा, दूध की प्रोडक्शन जो है वो उतनी अच्छी होगी। इसके अलावा रिब्स कितनी उभरी हुई हैं, इसे हम कहते हैं रिब्स स्प्रंग या स्प्रिंग, कि भाई जो एनिमल की जो रिब्स हैं ये कितनी उभरी हुई हैं, ये जितनी उभरी हुई होंगी उतना दूध देने की कैपेसिटी ज़्यादा है। इसकी भी कैटलॉग के अगर ऊपर आप पढ़ें तो डेयरी फार्म की वैल्यूज़ जितनी पॉजिटिव में हो उतना ज़्यादा एनिमल की दूध देने की कैपेसिटी अच्छी होगी, और जितनी नेगेटिव में हो उतनी दूध देने की कैपेसिटी कम होगी।
और अगर तो आप अब इसके जो वैसे तो रिकमेंडेड यही है कि डेयरी फार्म जितना ज़्यादा हो, ये रिब्स जितनी खुली हो, स्प्रंग हो और उभरी हुई हो, और इसके अलावा ये एंगुलर हो, उतना बेहतर है। लेकिन कुछ रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म आ जाए तो उससे फर्टिलिटी जो जानवरों की है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसका रीज़न ज़ाहरी तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर तो एनिमल की ये जो डेयरी फार्म है ये बढ़ती जाएगी तो इससे दूध भी बढ़ेगा, और दूध जो है वो हमेशा फर्टिलिटी के जो है, जैसे ही बढ़ता है तो फर्टिलिटी उससे कम होती है। इसके अलावा ऐसे जानवर जिनकी डेयरी फार्म बहुत ज़्यादा होती है, उनका बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी ज़ाहिर चीज़ है कि अगर एनिमल की डेयरी फार्म ज़्यादा होगी तो दूध ज़्यादा होगा, दूध ज़्यादा होगा तो बॉडी कंडीशन मेंटेन करने में जानवर मुश्किल पेश आएगी। तो आपने अपने फार्म के लिहाज से ये सिलेक्ट करना है कि आपको, आपका अगर फार्म के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन इशू है तो आप ऐसा एनिमल सेलेक्ट करें जिसकी डेयरी फार्म प्लस में हो, ज़्यादा हो। अगर इतना मिल्क प्रोडक्शन का इशू नहीं है तो आप मीडियम डेयरी फार्म वाले एनिमल भी अगर सेलेक्ट कर लें तो कोई इतना इशू नहीं है, या फिर ज़्यादा पॉजिटिव में ना हो, एक्सट्रीम्स ना हो, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में हो लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, तो वो भी आपके फार्म के ऊपर चल जाएंगे। ये हो गया जी। नेक्स्ट पैरामीटर है जी रंप एंगल। अब ये जो जानवर है इसकी ये दो बोन है, इसे हम कहते हैं हिप बोन और इसे हम कहते हैं पिन बोन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है इसे हम कहते हैं रंप एंगल, ठीक है। अगर तो ये जो एंगल है ये अगर स्लोप है नीचे, अगर ये नीचे जा रहा है बिल्कुल, अगर ये एंगल, तो ये रंप एंगल की वैल्यूज़ उतनी पॉजिटिव में होंगी। इधर रखो। अगर तो ये स्लोप है तो रंप एंगल की वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और अगर ये इंक्लाइन है, यानी जो हिप बोन है वो पिन बोन से नीचे है और ये यूँ है, जानवर ऊंचा सा है, तो फिर इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव में होंगी। इसके लिए जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं वो जो रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं या तो रंप सीधी हो या स्लाइटली स्लोप हो, यानी थोड़ा बहुत स्लोप बना हो। जैसे इस एनिमल का, ये बड़ा अच्छा एनिमल है, कुछ ज़्यादा ऊंची नहीं है इसकी जो पिन बोन है, इसका रंप एंगल बिल्कुल ठीक है। इसका होता ये है कि अगर तो रंप एंगल कम होगा और पिन बोन ऊंची होगी तो इससे डिस्टोकिया के इश्यूज़ आते हैं। पोस्टपार्टम जो जानवर ने मैला वगैरह फेंकना होता है, लोशिया फेंकता है, वो सही तरीके निकलता नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी देखा गया, लिटरेचर ने यह साबित किया है कि ऐसे एनिमल जिनकी पिन ऊपर होती है और रंप एंगल जो जिनका कम होता है, तो ऐसे एनिमल क्या करते हैं कि उनमें फर्टिलिटी जो होती है वो कम होती है। अगर इसके अपोजिट देखा जाए, ज़्यादा स्लोप हो और रंप एंगल ज़्यादा हो, तो उससे ये इशू होता है कि जानवर के लोकोमोशन के इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए एक दरमियानी वैल्यू जिसमें जानवर की जो पिन बोन और हिप बोन बिल्कुल सीधी हो या स्लाइटली स्लोप जो है वो रिकमेंडेड है। तो इस तरह से आप भी अपने एनिमल का जो है सिलेक्शन इसी बेसिस पे कर सकते हैं कि आप इसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो आप लें अपने एनिमल्स को देख कर। इससे जो अगला पैरामीटर है वो है थ्रल विड्थ। थ्रल विड्थ होती है कि ये वाली जगह जानवर की, ठीक है, इसकी और जानवर की ये जो दूसरी, यानी एक इसकी ये थ्रल हो गई, एक यहाँ हो गई, इन दोनों के दरमियान जो वक्फ़ा है इसे हम थ्रल विड्थ कहते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा हो उतनी बेहतर है, इसकी पॉजिटिव में वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा हो उतनी बेहतर है। इसी तरीके से एक पैरामीटर होता है जो इसके अंदर नहीं है कैटलॉग के अंदर, वो होता है रंप विड्थ। रंप विड्थ भी जितनी ज़्यादा हो वो उतनी बेहतर है, क्योंकि काविंग में आसानी होती है। अच्छा, ये हो गया जी थ्रल विड्थ का। नेक्स्ट जो पैरामीटर है थ्रल विड्थ के बाद, जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है जानवर का रेयर लेग साइड व्यू, कि जो पिछली टांगे हैं वो साइड से कैसी लगती हैं। अब इसका क्या होता है कि टांगे या तो सीधी होंगी जानवर की, या थोड़ी सी जो है अंदर को होंगी, या फिर बिल्कुल अंदर को होंगी, ठीक है, या स्ट्रेट होंगी टांगे, या दरमियानी होंगी, या फिर सिक्कल हम कहते हैं जिसे, जो बिल्कुल अंदर की तरफ टांगे हों। तो इसकी भी रिकमेंडेड जो वैल्यू है वो दरमियानी टांगे होनी चाहिए, ना ज़्यादा सीधी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बिल्कुल अंदर की तरफ जो है वो होनी चाहिए, एनिमल की सिक्कल नहीं होनी चाहिए। अब अगर तो जानवर की टांगे बिल्कुल सीधी होंगी तो उससे क्या होगा कि जानवर के जो हॉक और स्टाइफल जॉइंट है, इधर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, लेमनेस के इश्यूज़ ज़्यादा होंगे। और अगर जानवर की टांग बिल्कुल कर्व करके सिक्कल होगी, अंदर की तरफ आई हुई होगी, तो उससे इशू ये बनेगा कि जानवर के लोकोमोशन का इशू बनेगा, वो अपना मैच्योर वेट उसके ऊपर डाल नहीं सकता उससे। तो एक दरमियानी वैल्यू जिसमें टांग ना ज़्यादा स्ट्रेट हो और ना ज़्यादा अंदर की तरफ हो, तो वो सिलेक्ट करें। तो इसकी जो रेयर लेग साइड व्यू की जो वैल्यूज़ हैं, अगर ज़्यादा पॉजिटिव में हो तो टांग और अंदर को आती है, सिक्कल होती है, और अगर वैल्यूज़ नेगेटिव में हो तो टांग सीधी हो जाती है। तो आपने अपने फार्म पे इसी लिहाज से सिलेक्ट करना है कि ना तो ज़्यादा स्ट्रेट हो और ना ही ज़्यादा अंदर को हो। नेक्स्ट जो पैरामीटर है
वो है जी रेयर लेग रेयर व्यू। रेयर लेग रेयर व्यू क्या होता है कि पीछे से टांगे जो हैं वो कैसी नज़र आती हैं। तो इसका क्या है कि इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी तो पीछे वाली जो टांगे होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी, और होनी भी चाहिए सीधी। अगर सीधी ना हो इससे, अगर टांगे सीधी ना हो तो लेमनेस के इश्यूज़ आते हैं। अगर ये पिछली टांगे बिल्कुल यहाँ से, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस तरह से, और अगर इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव में जाएगी तो उसकी टांगे क्या होंगी, अंदर की तरफ बेंड होती जाएंगी, ये बेंड ना हो। अगर ये बेंड होगी तो उससे लेमनेस के इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है जी इसका फुट एंगल जानवर का, कि इसका जो खुर है उसका एंगल कैसा होना चाहिए। अब खुर का एंगल जो है, अगर तो खुर का एंगल ज़्यादा होगा तो खुर बिल्कुल छोटा हो जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर खुर का एंगल कम होगा तो खुर जो है वो लंबा होगा, ठीक है, और जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लंबा खुर होगा अगर फुट एंगल लो होगा। तो इसमें जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो भी दरमियानी वैल्यू रिकमेंड है, क्योंकि जो खुर जो है वो अगर फुट एंगल ज़्यादा होगा तो उससे जो खुर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उससे जो जानवर की टो है उसके ऊपर और जानवर की जो सोल है उसके ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और जबकि अगर इसका अपोजिट देखेंगे, फुट एंगल अगर बहुत ज़्यादा लो हो और खुर लंबा हो तो जानवर की पेस्टन्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा दबाव पड़ता है। इन दोनों हालतों में जानवर में लेमनेस का इशू जो है वो बढ़ जाता है। तो आपने ऐसा एनिमल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फुट एंगल जो है वो दरमियाना हो, ना बिल्कुल खुर बिल्कुल सीधा छोटा हो और ना ही खुर ज़्यादा लंबा हो, दरमियाना खुर जो है वो इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। ये हो गया फुट एंगल। इसके अलावा इन सब को इकट्ठे करके एक फीट एंड लेग स्कोर भी बनाया गया है, वो भी जितना पॉजिटिव में हो उतना अच्छा है, उतना एनिमल में लेमनेस के इश्यूज़ जो हैं वो कम आएंगे। तो ये जी इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है जी अडर के पैरामीटर जो हैं वो शुरू होते हैं। अडर का जो पहला पैरामीटर है वो है फोर अडर अटैचमेंट, कि जो अडर का फ्रंट पोर्शन है, जो अडर का फ्रंट पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एब्डोमेन के साथ यानी ये जो पेट की दीवार है इसके साथ किस तरह से अटैच है। अगर तो ये लूजली अटैच है तो ये सही नहीं है। ये अडर के साथ बिल्कुल जो है वो अडर जो है वो बिल्कुल एब्डोमेन के साथ अटैच होना चाहिए। ये जितनी ज़्यादा अटैचमेंट इसकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, मैस्टाइटिस के इश्यूज़ कम आएंगे, जो अडर है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फोर अडर की अटैचमेंट इसकी वैल्यूज़ जो हैं जितनी पॉजिटिव में हो उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा अडर जो है वो एब्डोमेन के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है इस जानवर की अडर हाइट, के अडर जो रेयर अडर हाइट, ये जो अडर है इसका ये ऊपर कहाँ तक जाता है। तो ये रेयर अडर हाइट जितनी एनिमल की ज़्यादा होगी, ये जो रेयर अडर हाइट है ये वाली, ये एनिमल की जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है, ठीक है, उतना जानवर की दूध देने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ये जितना ऊपर से शुरू होगा ना, वल्वा के नज़दीक से शुरू होगा उतना अच्छा है। इसकी वैल्यूज़ भी जितनी पॉजिटिव में हो उतना अच्छी हैं, जानवर की दूध देने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो आप भी अपने फार्म पर ऐसे एनिमल सेलेक्ट करें जिनकी रेयर अडर हाइट जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है रेयर अडर विड्थ, कि जो पिछला अडर है ये कितना एक चौड़ा है। ये जितना चौड़ा होगा एनिमल की दूध की कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। तो कैटालॉग के ऊपर भी इसकी वैल्यूज़ जितनी पॉजिटिव में होंगी उतना ज़्यादा अडर क्या होगा, चौड़ा होगा। तो आप भी ऐसे बुल सेलेक्ट करें जिनकी रेयर अडर की विड्थ ज़्यादा हो। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है अडर क्लेफ्ट। अडर क्लेफ्ट इसको कहते हैं, ये जो दो अडर के दरमियान में लाइन है ना, इसको कहते हैं। ये जो है सस्पेंसरी लिगामेंट की लाइन होती है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि अडर क्लेफ्ट उभरा हुआ होगा। ये जितना उभरा हुआ होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। इसकी वैल्यू भी जितनी पॉजिटिव में उतनी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू अगर पॉजिटिव में जाएगी ना तो उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा उभरेगा तो ये पिछले थन है ये क्लोज हो जाएंगे, तो ये इसका इशू आता है। वैसे जो है इसकी वैल्यू जितना पॉजिटिव में हो उतनी जो है अच्छी समझी जाती है। तो ये हो गया जी अडर क्लेफ्ट। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है अडर डेप्थ। अडर डेप्थ कहते हैं कि जो ये जो चड्डा है जानवर का, तो जानवर का जो चड्डा है इसकी जो नीचे तक, ये कितना एक नीचे तक है, इसकी जो लिमिट है ये जानवर की हॉक जॉइंट तक है। ये जो जानवर का हॉक जॉइंट है यहाँ तक इसकी लिमिट है, ये इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ना तो ये बिल्कुल ज़्यादा नीचे हो और ना ही ये ज़्यादा ऊपर की तरफ हो। शैलो अडर नहीं होना चाहिए। अगर तो अडर ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा, शैलो अडर होगा, तो जानवर की दूध देने की कैपेसिटी कम होगी,
अगर तो अडर डीप होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, हॉक जॉइंट से भी नीचे होगा, दूध देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन जानवर में मैस्टाइटिस के इश्यूज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जानवर का जो अडर है उसकी जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो इन बिटवीन होनी चाहिए अडर डेप्थ की वैल्यूज़, तो ये हॉक जॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आप भी अपने फार्म के लिहाज से सिलेक्ट करें, अगर तो जो अडर है, चड्डा है, वो बिल्कुल नीचे जा रहा है तो उसकी नेगेटिव में वैल्यू सिलेक्ट, इसकी पॉजिटिव में वैल्यू सिलेक्ट करें, क्योंकि जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो ये शो करती है कि अडर शैलो होगा, ऊपर होगा, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो बताती हैं कि अडर जो है वो नीचे होगा। अच्छा, अडर की जो बुल कैटलॉग में वैल्यूज़ होती हैं ये जितनी पॉजिटिव में होंगी अडर उतना शैलो होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जितनी नेगेटिव में होंगी अडर डीप होता जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसके लिए एक दरमियानी वैल्यू सेलेक्ट करें डिपेंडिंग अपॉन अपने फार्म पे। अगर तो आपके फार्म पे ऊपर शैलो अडर हैं, छोटे अडर हैं, तो आप क्या करें कि नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट करें ताकि अडर और डीप होता जाए। और अगर तो आपके फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप अडर हैं, नीचे हैं, हॉक जॉइंट से भी नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे बुल सेलेक्ट करें जिनकी अडर डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव में हो ताकि अडर थोड़ा सा ऊपर को जाए अगली नस्लों के अंदर। ठीक है जी, ये अडर का हो गया। अडर है वो है फ्रंट टीट प्लेसमेंट, के ये जानवर के अगले थन हैं इनकी प्लेसमेंट कैसी है। तो ये वैल्यू अगर जितनी इसकी ज़्यादा होंगी तो उतना क्या होगा कि अगले थन जो हैं वो क्लोज होते जाएंगे, और इसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होंगी अगले थन उतने दूर होते जाएंगे। तो इसके जो रिकमेंडेड है वो ये है कि दरमियान में होने चाहिए, इस एनिमल के भी तकरीबन दरमियान में है। तो आपने अपने फार्म पे ऐसे बुल सेलेक्ट करने हैं कि ताकि आपकी जो अडर आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर जो है फ्रंट टीट जो है वो क्या होना चाहिए, दरमियान में आ जाए। इसी तरीके रेयर टीट जो हैं इनकी प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये भी दरमियान में होने चाहिए, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतने क्लोज होते जाएंगे, जितनी नेगेटिव होगी उतने दूर जाते जाएंगे। तो आपने अपने फार्म के लिए ऐसा बुल सेलेक्ट करना है कि आपके जो आगे एनिमल आएंगे या उनकी जो नस्लें आएंगी उनके जो पिछले थन हैं वो बिल्कुल दरमियान में आ जाने चाहिए। ये हो गया जी फ्रंट टीट प्लेसमेंट, और दूसरा है जी रेयर टीट प्लेसमेंट। चला दिया। इसमें जो आखिरी पैरामीटर है ना वो है जी टीट लेंथ का, कि जो थन है इनका साइज़ कैसा है। तो इसके लिए ना तो ज़्यादा छोटा साइज़ पसंद किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप मिल्किंग मशीन लगाते हैं तो वो स्लिप हो जाती है, उससे इंजरी हो जाती है, और ना ही बड़े थन पसंद किए जाते हैं, क्योंकि बड़े थनों से क्या इशू आता है कि उससे भी जानवर की टीट या टीट को इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपने सेलेक्ट जो करने हैं वो दरमियाने साइज़ के टीट सेलेक्ट करने हैं। दरमियाने साइज़ के टीट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी जो कैटलॉग के ऊपर वैल्यूज़ हैं वो जितनी नेगेटिव में होंगी उतने थन का साइज़ जो होगा वो छोटा होगा, और जितनी वो पॉजिटिव में होंगी उतना थन का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। तो अगर तो आपके फार्म पे ऑलरेडी एनिमल्स का थन का साइज़ बड़ा है तो आप ज़्यादा नेगेटिव वाले बुल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके फार्म के ऊपर थन का साइज़ बहुत छोटा है तो आप ऐसे बुल सेलेक्ट करेंगे जिनकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव में होंगी। तो ये हो गया जी लीनियर ट्रेट्स के बारे में। आप जी फार्मूलाज के बारे में मैं आपके आगे जो है वो आपको बताऊंगा। लीनियर ट्रेट्स के बाद जो है अब आते हैं फार्मूलाज की तरफ। फार्मूलाज में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है जी PTAT, जिसे हम PTA टाइप भी कहते हैं। ये जो लीनियर ट्रेट्स होती हैं इन्हें हम टाइप ट्रेट्स भी कहते हैं। तो ये जितनी भी लीनियर ट्रेट्स मैंने आपको बताई हैं इन सब को इकट्ठे करके जिसकी स्कोरिंग की जाती है उस पैरामीटर को हम PTAT या PTA टाइप कहते हैं। ये ओवरऑल जितने भी लीनियर ट्रेट्स हैं ये इनको शो करता है, और इसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव में हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितने पॉजिटिव में होगी उतनी लीनियर ट्रेट्स जो होंगी वो अच्छी होंगी, और जितना जो है ये नेगेटिव में होगा उतना लीनियर ट्रेट्स जो होंगी वो कमज़ोर होंगी। उससे जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है जी अडर कंपोजिट। अडर कंपोजिट ओवरऑल जो अडर की स्कोरिंग है उसको शो करता है। अब लीनियर ट्रेट्स में हमने देखा था कि अडर के से रिलेटेड जो थे वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स थे, उसमें फोर अडर अटैचमेंट थी, पीछे से अडर बिट थी, अडर हाइट थी, टीट लेंथ, टीट प्लेसमेंट, इस तरह से। ये जो कंपोजिट है अडर कंपोजिट, ये इन सब का मजमूआ है, इसको मिलाकर एक स्कोरिंग सिस्टम जो है वो निकाला गया है। ये जो अडर कंपोजिट है ये बताता है कि अडर कितना एक मजबूत होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, और उसकी अटैचमेंट कैसी रहेगी, और आगे मैस्टाइटिस के आने के चांसेस कैसे रहेंगे, यानी ज़्यादा मैस्टाइटिस आएगी या नहीं आएगी, सोमैटिक सेल काउंट कैसा रहेगा,
या जानवर की दूध देने की कैपेसिटी कैसे रहेगी, ये इसको शो करता है। तो ये भी जितना पॉजिटिव में हो उतना बेहतर है, उतना आर्डर अच्छा होगा, उतना एनिमल मैस्टाइटिस से रेजिस्टेंट होगा, सोमैटिक सेल काउंट कम होंगे, तो इसमें पॉजिटिव में वैल्यूज़ आपने देखनी है। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो जो जो अडर कंपोजिट है इसका फार्मूला यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसमें जो एफ यू है ये 4 अडर अटैचमेंट, आगे से जो अडर अटैच होता है वो, फिर इसके आगे है जी अडर हाइट यू एच, ठीक है, उससे आगे है जी रेयर अडर विड्थ यू डब्ल्यू, उससे आगे जो यू सी है ये शो करता है जी अडर क्लेफ्ट को, उससे आगे है यू डी, ये शो करता है जी अडर डेप्थ को, उसके आगे फिर टी पी है, टी पी है जी फ्रंट टीट प्लेसमेंट, और आर पी है आगे, और आर पी शो करता है रेयर टीट प्लेसमेंट को, और आगे है टी एल, ये टीट लेंथ को शो करता है, और एस टी ये स्ट्रेचर को शो करता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी डाली गई हैं, इनको इकट्ठे करके इसका जो है ये फार्मूला बनाया गया है अडर को वैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है जी फीट लेग कंपोजिट का। फीट लेग कंपोजिट जो है ये जानवर के टांगों के जो जितने भी पैरामीटर हमने देखे हैं लीनियर ट्रेट्स के, उनको मिलाकर बनाया गया है, और ये भी जितना पॉजिटिव में उतना अच्छा है। एनिमल में लेमनेस के चांसेस कम होते हैं, और एनिमल के फीट और लेग सही रहते हैं, जिससे एनिमल ज़्यादा देर हर्ड में जो है वो प्रोडक्टिव रहता है। तो इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें जो सबसे पहला है वो है फुट एंगल एफ ए, फिर आर वी है रेयर लेग रेयर व्यू, फिर एस वी है जिसे हम रेयर लेग साइड व्यू कहते हैं, फिर एफ एल एस है फीट एंड लेग स्कोर, और फिर एंड पे एस टी स्टेचर है, और इसके भी मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं, और इन सब को इकट्ठे करके जो है ये जो फार्मूला है ये बनाया गया है। नेक्स्ट जो है जी वो है बॉडी साइज़ कंपोजिट। ये काओ की बॉडी का वेट या बॉडी साइज़ या उसकी जो डेयरी फॉर्म होती है यानी दूध देने की जो सलाह होती है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और एक काओ जो एक ख़ास अमाउंट का मिल्क दे रही है उस लिहाज से उसकी उसका जो बॉडी वेट है उसका साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए इसको शो करता है। तो इसका फार्मूला जो है वो आपको नीचे नज़र आएगा कि इसमें इन्होंने स्ट्रेचर को देखा हुआ है, स्ट्रेंथ को देखा हुआ है, बॉडी डेप्थ को देखा हुआ है, रंप विड्थ को देखा गया है इसके अंदर, और डेयरी फार्म को, और इन सब को मिला के जो है इसका फार्मूला बनाया गया है बॉडी साइज़ कंपोजिट का। नेक्स्ट जो फार्मूला है ये काफ़ी मशहूर है टी पी आई। ये जो टी पी आई है ये ओवरऑल अगर आप देखें बुल का, तो अक्सर लोग जब भी कोई सीमन लेते हैं तो वो कहते हैं जी इस बुल की जो है टी पी आई कितनी है। इसे हम कहते हैं टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये ओवरऑल जितने भी इसके पैरामीटर हैं उसको मिला के बनाया गया है, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी इसकी टी पी आई जो है ये इसमें अगर आप देखें तो ये 46% ये प्रोडक्शन का इसके अंदर लेते हैं ये फार्मूला के अंदर, हेल्थ और फर्टिलिटी को 28% लेते हैं, और कन्फर्मेशन को 26% लेते हैं। कन्फर्मेशन यानी जो उसकी लीनियर ट्रेट्स होती हैं उनको, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन जो 46% लेते हैं उसमें फैट प्रोटीन बॉडी वेट कंपोजिट और फीड एफिशिएंसी को लेते हैं कि जानवर ने कितना खाया और कितना दूध दिया, इसे फीड एफिशिएंसी कहते हैं। हेल्थ और फर्टिलिटी में ये सोमैटिक सेल स्कोर को देखते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ को देखते हैं, इसके अलावा जो इसकी हेल्थ ट्रेड के इंडेक्स को देखते हैं, लाइवेबिलिटी को देखते हैं, फर्टिलिटी इंडेक्स को देखते हैं, डॉटर काविंग ईज और डॉटर स्टल बर्थ जो है ये हेल्थ और फर्टिलिटी में देखते हैं, और कन्फर्मेशन में ये पी टी ए टी जो है ओवरऑल पी टी ए टाइप का जो स्कोर था ऊपर मैंने आपको बताया था ये इसको देखते हैं, अडर कंपोजिट को देखते हैं, और फीट लेग कंपोजिट को देखते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इकट्ठे डाल के इसका ये फार्मूला बनाया गया है। तो अगर आप इसे देखेंगे ये पी टी ए टी सबसे पहले लिखा होता है, पी टी ए पी इसमें लिखा हुआ है यानी ये प्रोटीन है, फिर पी टी ए एफ ये फैट है, फिर एफ ई ये फर्टिलिटी, ये है जी एफ ई जो है ये फीड एफिशिएंसी है,
उसके बाद PTAT यानी PTA टाइप है इसकी, फिर अब अडर कंपोजिट है UDC, फिर FLC जो है ये फीट लेग्स कंपोजिट है, फिर PL जो है प्रोडक्टिव लाइफ है, HT जो है ये हेल्थ ट्रेड इंडेक्स होता है। इसमें वो जो आपको मैंने मुख्तलिफ किस्म की डिजीज बताई थी, जैसे डिस्टोकिया हो गया, इसके अलावा एबोमेजम डिस्प्लेसमेंट हो गया, एबोमेजम डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, इस तरह की जो हेल्थ की डिजीज हैं उनको मिलाकर ये ट्रेड बनाई गई है जो जो HT है। तो इसके बाद लाइविबिलिटी को देखते हैं, फिर इसके बाद LIV जो है इसको शो कर रहा है, फिर SCS है, सोमैटिक सेल स्कोर है, फिर FI फर्टिलिटी इंडेक्स है, फिर DCE डॉटर कार्विंग ईज है, और DSB डॉटर स्टिल बर्थ है, और इसको मिलाकर जो है इन्होंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के ये फार्मूला बनाया है TPI का। अगर तो आप एक नॉर्मल बुल लेना चाहते हैं, आपके हार्ट पे किसी किस्म का इशू नहीं है, तो आप बेशक ये TPI देख के जो है बुल सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ओवरऑल हर एक चीज़ में ही बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर तो कोई ख़ास इश्यूज़ है ना आपके फार्म के ऊपर, जैसे फर्टिलिटी का इशू है, तो आप ये देखें कि इसमें उन्होंने प्रोडक्शन को 46% देखा है इस TPI के फार्मूले में, जबकि हेल्थ और फर्टिलिटी को 28% इन्होंने कंसिडर किया है। तो अगर तो हेल्थ और फर्टिलिटी आपका इशू है फार्म पे, तो आप TPI के बेस पे अपने हर्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, तो फिर आपको सिंगल सिंगल पैरामीटर जाके देख के तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट लानी होगी। तो ये एक मैल प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ TPI फार्मूला देख के जो है वो कह देते हैं कि ये बुल अच्छा है, ये बुल बुरा है, तो इस तरह से नहीं होता। TPI ओवरऑल बुल को बताती है, लेकिन आपके फार्म के लिए कौन सा अच्छा बुल है वो आप ख़ुद अपने हार्ड पे, आपके फार्म पे जो मसाइल हैं उसको देख के आप जो है वो डिसाइड करेंगे। हाँ, अगर कोई मसला नहीं है, आप वेल एंड गुड TPI की तरफ जाएं, TPI अच्छी चीज़ है। इस तरीके GTPI होती है, एक जीनोमिक TPI होती है, तो वो भी है जो एनिमल के सिलेक्शन में यूज़ होती है, तो वो ओवरऑल आपके हार्ट में बेहतरी लाएंगे। लेकिन ख़ास कोई मसला है तो फिर एक अलग अलग पैरामीटर देखेंगे। लीनियर ट्रेड्स का इशू है तो लीनियर ट्रेड्स को देखेंगे, प्रोडक्शन का इशू है तो प्रोडक्शन के किसी ख़ास पैरामीटर को देखेंगे, फर्टिलिटी का इशू है, हेल्थ का इशू है तो उनके ख़ास पैरामीटर्स को देखेंगे। तो ये इस तरह से हुआ जी। इसके अलावा TPI के बाद कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे कि इसमें एक फार्मूला है नेट मेरिट्स का, ये आजकल काफ़ी मशहूर हुआ है नेट मेरिट्स का फार्मूला। तो नेट मेरिट कहते हैं कि इसका मतलब है कि इस बुल के जो आने वाले बच्चे हैं वो फार्मर को कितना एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे अपनी पूरे लाइफ टाइम में, हम इसे जो है वो नेट मेरिट कहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सालों से स्टडी भी की गई है कि सिर्फ एनिमल की जो है वो TPI नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि आया ये जो एनिमल है आपके पास आएगा, ये जो बच्चा आएगा इस सीमन से, क्या ये आपको कोई प्रॉफिट देगा भी सही या नहीं। तो इस बेसिस पे जो है इन्होंने नेट मेरिट का ये फार्मूला बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको शो की है इमेज कि इसमें कौन सी चीज़ को कितने परसेंट तक वेटेज दी गई है, तो उस बेसिस पे उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, तो इसे भी देखना चाहिए सिलेक्शन के वक्त। इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज हैं, जैसे कि फ्लूड मेरिट, चीज़ मेरिट और ग्रेजिंग मेरिट। नेट मेरिट से ही आगे फ्लूड मेरिट, चीज़ मेरिट और ग्रेजिंग मेरिट के इंडेक्सेस जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मिल्क की जो मार्केट है या फिर जो प्रोडक्शन टाइप है उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे कि फ्लूड मेरिट उन फार्मर्स के लिए है जिनको मिल्क की प्रोटीन से जो है कोई पैसे ना मिलते हों, वो क्या करते हैं कि ओवरऑल बस फ्लूड मेरिट देखते हैं, इसीलिए जो प्रोटीन है वो इस पैरामीटर में जो है वो नहीं देखी जाती। जबकि जो चीज़ मेरिट है ये उन फार्मर्स के लिए है जो कि अपना जो मिल्क है वो चीज़ बनाने वाली कंपनीज़ को जो है वो सेल करते हैं, ये उनके लिए होता है, वो चीज़ मेरिट को देखें अपने बुल के सिलेक्शन के वक्त। और ग्रेजिंग मेरिट जो है ये ग्रेजिंग सिस्टम में रखे गए जो एनिमल होते हैं या जो ऐसे फार्मर जो ग्रेजिंग सिस्टम में फार्मिंग कर रहे हों, ये उससे रिलेटेड जो इंडेक्स है, अगर तो आप ग्रेजिंग करवा रहे हैं एनिमल की तो ये ग्रेजिंग मेरिट आप देखेंगे सीमन सिलेक्शन के वक्त। तो ये जी सारे फार्मूलाज हैं, ये भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जी मैं ओवरऑल जो डांटे बुल है उसका मैं बता दूंगा कि भाई क्या इशू हो और तो हम कौन सा पैरामीटर जो है वो अपने फार्म पे सिलेक्ट करेंगे, एंड पे थोड़ा सा यही बताऊंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो तब कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, ये अब कैटलॉग आखिर में फिर दोबारा हमारे सामने आ गया। इसमें आपको समझ लग गई होगी कि पहले यहाँ पर इसका जो है ये कोड है बुल का, फिर उसका नेम है,
फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, उससे आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उससे नीचे RHA रजिस्टर्ड होल्स्टाइन एंसेस्ट्री का डाटा है, उसकी परसेंटेज दी हुई है, फिर DMS डेयरी मेटिंग सर्विस, AAA एनिमल एनालिसिस एसोसिएट्स, फिर AA A2 A2 ये प्रोटीन को शो करते हैं मिल्क के अंदर किस किस्म की है। नेक्स्ट आए तो ये फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, हेल्थ, कार्विंग और लीनियर ट्रेड्स का जो डाटा है ये उसको शो करता है। तो इसमें अगर आपके फार्म पे इशू है मिल्क प्रोडक्शन का, तो नो डाउट आपको प्लस में जो है जो मिल्क यहाँ पर दिया हुआ है ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन साथ में आपने रिलायबिलिटी भी देखनी है कि ये डेटा कितना एक रिलायबल है। फैट का इशू है तो बिल्कुल फ़ैट को देखें, प्रोटीन्स भी उसमें आती हैं, जब आपका ओवरऑल मिल्क कॉन्टेंट्स कम हो तो प्रोटीन को भी देखें। मैस्टाइटस का इशू है, सोमैटिक सेल स्कोर को देखना है, मैस्टाइटस का इशू है तो सोमैटिक सेल स्कोर जो है उसको देखना है कि जितना कम हो उतना बेहतर है। प्रोडक्टिव लाइफ, कि आपके फार्म पर अगर इशू है कि आपके एनिमल जो हैं ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं रहते, प्रोडक्टिव लाइफ उनकी कम है, तो इसको देखेंगे। DPR, HCR, CCR और यहाँ पर फर्टिलिटी इंडेक्स, ये चार पैरामीटर आपने देखने हैं जब आपके फार्म पर रिप्रोडक्शन का इशू हो, रिपीट ब्रीडिंग का इशू हो आपकी गायों में, तो आप ये चार पैरामीटर देखें, इनको जितना पॉजिटिव में सेलेक्ट करेंगे उतना आपकी फर्टिलिटी बेहतर होगी। नेट मेरिट ओवरऑल, अगर आप इस सीमन के बच्चे से जो है अगर ओवरऑल प्रॉफिट लेना चाहते हैं कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, तो नेट मेरिट्स को देखेंगे। फ्लूइड मेरिट आप तब देखेंगे जब आपको प्रोटीन से कोई सरोकार नहीं होगा, आप मिल्क को अपने मिल्क को सिर्फ फ्लूइड के बेसिस पे बेचेंगे। तो आगे जो चीज़ मेरिट है, अगर आपका दूध जो है आगे चीज़ वाली कंपनी को सेल करते हैं आप, तब आप चीज़ मेरिट देखें। अगर आप एनिमल के ग्रेजिंग करवा रहे हैं तो इसकी ग्रेजिंग मेरिट देखेंगे। जेस्टेशन लेंथ, अगर तो आपके जो हर्ड में जो सुआ है वो काफ़ी लेट हो जाता है, एनिमल यानी प्रेग्नेंट होता है, तो वो वैसे तो 280 से 282 दिन होते हैं बच्चा देने के जानवर के इंसेमिनेशन के बाद। अगर वो काफ़ी लंबे हैं तो आप जेस्टेशन लेंथ नेगेटिव में देखें, बहुत अच्छा होगा। लाइवेबिलिटी के ओवरऑल आपके ऊपर जो आपकी जो ओवरऑल आपके फार्म के ऊपर जो भी एनिमल है वो कितनी देर जो है वो प्रोडक्शन के अंदर रहता है और फिर उसमें जो है उसकी कलिंग या डेथ हो जाती है, तो उसको हम लाइवेबिलिटी कहते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि आपके फार्म पर एनिमल ज़्यादा देर के लिए रहे, ठीक है, और प्रोडक्टिव रहे और साथ में ज़िंदा रहे, कलिंग रेट कम हो, डेथ रेट कम हो, तो लाइवेबिलिटी का पैरामीटर देखें। मैस्टाइटस का पैरामीटर आपने वो सोमैटिक सेल स्कोर के साथ मिला के देखना है कि अगर मैस्टाइटस के इशू है तो। फिर फ्यूचर इनब्रीडिंग जो है, इनको अगर आपके फार्म पे इनब्रीडिंग ज़्यादा है तो आप इसको देखेंगे। तो ये वाला पैरामीटर, इससे नीचे आपको ये जो इसका ओवरऑल मिल्क है ना, ये दिया हुआ है कि इसने 305 दिनों में कितना मिल्क दिया है इसकी डॉटर्स ने, इस बुल की, तो इसको देखें लाजमी कि भाई इसकी डॉटर का क्या दूध रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई आया कि आपके फार्म पर ये दूध के इशू काम करेगा कि नहीं। अगर तो दूध इसकी डॉटर का कम है आगे, तो फिर आप वो ये बुल ना सेलेक्ट करें। अगर आपके फार्म पे इशू है कि दूध कम है, तो ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसका यहाँ पर डॉटर्स का दूध जो होगा वो 305 दिनों में ज़्यादा होगा। आगे फैट है, फैट का इशू है तो फैट को देखेंगे, परसेंटेज में भी दी हुई है ये, ठीक है। फिर ये लाजमी देखना है कि ये डाटा कितनी डॉटर्स से आया, जैसे यहाँ पर 3636 डॉटर्स हैं तो अच्छा डाटा है, और 95% ये इसके डॉटर हैं USA से हैं, तो 241 हर्ड का डाटा है, तो ये जितना ज़्यादा डॉटर का होगा उतना रिलायबल होगा डाटा, अच्छा होगा। नेक्स्ट, आपके फार्म के ऊपर अगर इशू है कि डिस्टोकिया हो जाता है, बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े पैदा होते हैं, तो आप यहाँ पर ये काविंग ईज वाले जो है ना ये बुल सेलेक्ट करेंगे जिनकी काविंग ईज अच्छी होगी, ये जो है ये कम होगी। इसके अलावा स्टिल बर्थ, अगर आपके पास इशू आता है कि बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या पैदा होने के बाद मर जाते हैं जल्दी, तो आप ये स्टील बर्थ वाला देखेंगे, ये कम से कम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं, हमारा जो है हमारे फार्म पे कोई इशू नहीं, हम ओवरऑल अपने फार्म की बेहतरी लाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल TPI को देखें, TPI जितनी मैक्सिमम उतना अच्छा है, तो उसको ओवरऑल आप ज़रूर देखें। लेकिन अगर हर्ड पे कोई ख़ास इशू है तो उसमें फिर ख़ास पैरामीटर देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है PTAT,
ये ओवरऑल लीनियर ट्रेड की टाइप है। अगर आपके फार्म पे जो एनिमल हैं उनकी ज़ाहरी जो वो है खसूसियात हैं वो अगर अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप ये PTAT टाइप जो है ये जितनी पॉजिटिव है उतनी अच्छी सेलेक्ट करेंगे। इस तरह का अडर कंपोजिट है, अडर के अगर इश्यूज़ हैं तो आप ये जितनी पॉजिटिव में हो वो सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज अडर के लिए। इस तरीके लेमनेस का इशू है, फीट लेग सही नहीं है जानवरों के आपके, तो फीट लेग कंपोजिट को ज़्यादा पॉजिटिव में सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके बॉडी साइज़ कंपोजिट को भी आप पॉजिटिव में सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप ओवरऑल लीनियर ट्रेड्स को देखें, स्टेचर को मैंने आपको बताया था कि कैसे सेलेक्ट करना है, स्ट्रेंथ, बॉडी डेप्थ, डेरी फॉर्म, रंप एंगल, थ्रल विड्थ, रेयर लेग साइड व्यू, रेयर लेग रेयर व्यू, फुट एंगल, फीट एंड लेग स्कोर, फोर अडर अटैचमेंट, रेयर अडर हाइट, रेयर अडर विड्थ, अडर क्लेफ्ट, अडर डेप्थ, फ्रंट टीट प्लेसमेंट, रेयर टीट प्लेसमेंट और टीट लेंथ। ये कब कब जो है ये कौन कौन सा पैरामीटर जो है वो आपने देखना है और कितनी कितनी वैल्यू जो होनी चाहिए इसकी, पॉजिटिव में होनी चाहिए या नेगेटिव में, ये कब कब कैसे कैसे सिलेक्ट करनी है, इसी वीडियो के अंदर मैं जो है आपको बता चुका हूँ। तो ये जी इस तरह से बुल सीमन का आप जो है ये कैटलॉग जो है अब आप पढ़ भी सकेंगे, समझ भी जाएंगे और समझ कर आप अपने फार्म के लिए जो है एक अच्छा बुल जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा या बुरा बुल कोई भी नहीं होता, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं ये बताएं जी ये बुल कैसा है, ये जी ये बुल कैसा है। परफेक्ट बुल कोई भी नहीं है जिसमें आप कहें कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों, परफेक्ट बुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि आपके फार्म पर जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड आप अच्छा बुल सिलेक्ट करें, उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स अच्छी हों तो वो बुल जो है वो सिलेक्ट कर लें, तो आपका जो फार्म का इशू होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ जी ये बुल सिलेक्शन से रिलेटेड ये जो दोनों मेरे पार्ट्स हैं, पहला भी और दूसरा भी, आपको पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।